भारत के महान चिकित्सक सुश्रुत चरक, सृष्टि के आरंभ से ही मानव अपनी आयु तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहा। समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों का जिन वस्तुओं से कोई अनुभव हुआ, उन सिद्धांतों के संकलन से ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ जो मानव के स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। आयुर्वेद भी ऐसा ही एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों की जानकारियां दी गई। आयु संबंधी प्रत्येक जानने योग्य ज्ञान यानी कि वेद को आयुर्वेद कहा गया। आयुर्वेद संबंधी सिद्धांतों का क्रमबद्ध संकलन कर ऋषियों ने अनेक संहिताओं का निर्माण किया। इन संहिताओं में सुश्रुत संहिता, शल्य तंत्र प्रधान और चरक संहिता गाय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। इन ग्रंथों के रचयिता क्रमशः सुश्रुत तथा चरक है। अनेक समय में ना आज जैसी प्रयोगशालाएं थी, ना यंत्र और ना ही चिकित्सा सुविधाएं। अपने ज्ञान और अनुभव से उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए जिसकी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ता से खड़ा है। आइए चिकित्सा के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक जाने माने ऐसे ही दो महान चिकित्सकों के बारे में जाने। सुश्रुत। मध्य रात का समय था, किसी के जोर से दरवाजा खटखटाने से सुश्रुत की नींद खुली। बाहर कौन है, वृद्ध चिकित्सक ने पूछा। फिर दीवार से जलती हुई मशाल उतारी और दरवाजे पर जा पहुंचे। मैं एक यात्री हूं, किसी ने पीड़ा भरे स्वर में उत्तर दिया। मेरे साथ दुर्घटना घट गई है, मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है। ये सुनकर सुश्रुत ने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी झुका हुआ खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और कटी नाक से खून। सुश्रुत ने कहा, उठो बेटा, भीतर आओ, सब ठीक हो जाएगा, अब शांत हो जाओ। ये अजनबी को एक साफ सुथरे कमरे में ले गए। शल्य चिकित्सा के उपकरण दीवारों पर टंगे हुए थे। उन्होंने बिस्तर खोला और उस अजनबी से बैठने के लिए कहा। फिर उसे अपना चोंगा उतारने और दबा मिले पानी से मुंह धोने के लिए कहा। चिकित्सक ने अजनबी को एक गिलास में कुछ द्रव्य पीने को दिया और स्वयं शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लगे। बगीचे से एक बड़ा सा पत्ता लेकर उन्होंने अजनबी की नाक नापी। उसके बाद दीवार से एक चाकू और चिमटी लेकर उन्हें आग की लौ पे गर्म किया। उसी गर्म चाकू से अजनबी के गाल से कुछ मांस काटा। आदमी कराहा, लेकिन उसका दर्द नशीला द्रव्य पीने से कुछ कम हो गया था। गाल पर पट्टी बांध कर सुश्रुत ने बड़ी सावधानी से अजनबी की नाक में दो नलिकाएं डाली। गाल से कटा हुआ मांस और दवाइयां नाक पर लगाकर उसे पुनः आकार दे दिया। फिर नाक पर घुंघची व लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़क कर हल्दी का रस लगा दिया और पट्टी बांध दी। अंत में सुश्रुत ने उस अजनबी को दवाइयों और बूटियों की सूची दी जो उसे नियमित रूप से लेनी थी। उसे कुछ सप्ताह बाद वापस आने को कहा जिससे वह उसे देख सके। आज से 2500 वर्ष पूर्व सुश्रुत ने जो किया था उसी का विकसित रूप आज की प्लास्टिक सर्जरी है। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। सुश्रुत का जन्म 600 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। वह वैदिक ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। उन्होंने वैद्यक और शल्य चिकित्सा का ज्ञान वाराणसी में दिवोदास धनवंतरी के आश्रम से प्राप्त किया था। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने उस समय शल्य क्रिया का प्रचार किया जिसे आज सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। वह मूत्र नलिका में पाए जाने वाले पत्थर निकालने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में दक्ष थे। उन्होंने शल्य चिकित्सक को ऑपरेशन से पहले प्रयोग में आने वाले उपकरण गर्म करने के लिए कहा जिससे कीटाणु मर जाए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि बीमार को ऑपरेशन से पहले नशीला द्रव्य पिलाया जाए। चिकित्सा आज भी इसका प्रयोग निश्चेतक एनेस्थीसिया के रूप में करता है। सुश्रुत एक अच्छे अध्यापक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। वे अपने शिष्यों से कहा करते थे, वास्तविक शल्य चिकित्सा से पहले जानवरों की लाशों पर शल्य चिकित्सा का अभ्यास करना चाहिए। अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में उन्होंने विभिन्न प्रकार के 101 चिकित्सा उपकरणों की सूची दी है। आज भी उन यंत्रों के समान यंत्र वर्तमान चिकित्सक प्रयोग में लाते हैं। वह चिमटियों के नाम पर उन जानवरों या पक्षियों के नाम पर रखते थे जिनकी शक्ल से मिलते थे, जैसे क्रोकोडाइल, फॉरसेप्स, हॉकविल फॉरसेप्स आदि। बच्चों, मेरे साथ ही
फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।